आज के इस बहुत ही भव्य एवं पवित्र तथा सात्विक कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय श्री शिव कुमार जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अटल जी के साथ रहकर और उनके माध्यम से और खुद समाज और देश की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया, हमें बड़ी खुशी है कि वो आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री अश्विनी चौबे जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय के चांसलर श्री अनिल बैजल जी, मेरी अपनी मंत्रालय में सहयोगी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती प्रीति सूदन जी, हमारे मेरी पार्लियामेंट में सहयोगी प्रखर वक्ता, आप सब उनके भाषण सुनते हैं, जब वो बोलती हैं तो फिर सब सदन के अंदर जो है बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। पिछले समय तो वो बहुत उन्होंने स्पीकर का भी रोल संभाला, बीच बीच में जो है ऐसी मेरी पार्लियामेंट में सहयोगी मीनाक्षी लेखी जी, कार्यक्रम जिनके सहयोग से आयोजित हुआ, हमारे यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर तिवारी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स, सभी अतिथिगण और उपस्थित प्यारे बच्चों, मेडिकल स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, बहुत मुझे आनंद की और सुख की अनुभूति हो रही, जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आज सबने कहा कि अटल जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन अटल जी हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, अटल जी हमारे बीच से कभी जा नहीं सकते। और ठीक है कि आज हम उन्हें पूरे एक वर्ष के बाद उनकी पुण्यतिथि पर प्रणाम कर रहे हैं, उनको नतमस्तक होकर याद कर रहे हैं। जो कुछ अटल जी ने भारत की राजनीति को दिया है, मैं समझता हूँ कि उन बिरले राजनीतिज्ञों में हैं जो हमेशा अमर रहेंगे। और मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में जब 90 के दशक में हुआ था, उनकी पुस्तक मेरी 51 कविताएं रिलीज हुई थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी भी थे उस कार्यक्रम में और जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री जीवित थे वो सब लोग उस कार्यक्रम के अंदर मंच के ऊपर थे। और अटल जी जब उन्होंने कुछ कविताएं पढ़ी तो नरसिम्हा राव जी भी बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो अटल जी को अपना गुरु मानते थे, वो कहते थे ये भीष्म पितामह है, और वास्तव में अटल जी इसी तरह के थे। मुझे भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अटल जी के शब्द हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक समय में धार के कहा था, भारत को कैसे डिस्क्राइब किया था, हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है,
इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अटल जी ने अपना पूरा जीवन हमारे इस भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया और बहुत ठीक शिव कुमार जी उनके जो व्यक्तित्व के बहुत सारे गुण उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को भी, स्वामी विवेकानंद को भी, गौतम बुद्ध को, सबको उन्होंने उनके अंदर दिखा और हम सब ने दिखा है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत स्नेह, बहुत प्रेम और बहुत आशीर्वाद मिला। यूं तो हम लोग बचपन में उनकी सभाओं को सुनने के लिए जाया करते थे जब वो भाषण देते थे, लेकिन उनको साक्षात नजदीक से मुझको दर्शन करने का मौका पहली बार 1994 में ही मिला, 93 में ही, जब मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ और मैं दिल्ली में MLA बना, दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर बना। और मैं सिर्फ इस अवसर पर जो अभी कहा गया, कुछ लोगों ने उल्लेख किया कि उनका यूं तो उनका सब क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, समाज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता थी वो किस स्तर की थी उसकी थोड़ी सी सिर्फ मैं आपको कल्पना देना चाहता हूँ, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और कुछ ऐसे कार्यक्रमों का भी उल्लेख करूंगा। 1993 में मैं मंत्री बना था और 1993 में ही हम लोगों को देश से पोलियो समाप्त करने का सपना पालने का भगवान का आशीर्वाद मिला। और उस समय जब पहली बार मैं अटल जी को मिलके उसके बारे में बताया कि देश में दुनिया के 60% पोलियो ग्रस्त बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, मैं इसको अतिशयोक्ति नहीं मानता, लेकिन मैं केवल इतना आपको कहूंगा कि उस दिन के बाद से अगले 10 साल तक, यानी पूरा एक दशक, अगर भारत की राजनीति में किसी राजनेता ने पोलियो इरेडिकेशन के काम के लिए हृदय, मन और आत्मा से मेरे को सहयोग दिया, मेरे को साथ दिया, तो हमारे प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज भी मैं भूलता नहीं कि 94 के अंदर वो मौलाना मेडिकल कॉलेज से लेकर और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बीच में, ये दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट्स, इनके साथ उन्होंने पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए मार्च किया था। तो भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और सिम्बोलिक कार्यक्रम के लिए, सिम्बोलिक नहीं आए थे कि आकर झंडा हिला के कोई वो चले जाए, उन्होंने उसको मन से किया। लगातार इस पोलियो इरेडिकेशन के काम की मैं बात करूं, उसके बाद और भी कई कार्यक्रमों के अंदर यहाँ नई दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आए, लेकिन जब वो 98 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैंने उनको कहा, अटल जी आप को शायद अंदाजा होगा कि ये 1988 के अंदर पोलियो उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संकल्प किया है और उनका टारगेट है कि 2000 तक जो है इसको पोलियो को समाप्त करना है, तो इसके लिए हम सबको बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जुटना पड़ेगा, आपको प्रधानमंत्री के रूप में कुछ हम लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो इनको ध्यान में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कैबिनेट नोट एक एक्सक्लूसिव पोलियो एडिकेशन के लिए तैयार कराया और कहा कि सन 2000 तक भारत से पोलियो को समाप्त करने के लिए भारत को क्या क्या करना है, और उसके बारे में फिर उन्होंने प्रमोद महाजन जी से उसको सारे देश के सामने प्रस्तुत कराया। जब भारत के अंदर
पोलियो एडिकेशन के अंदर तकलीफ आ रही थी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, क्योंकि समाज के एक वर्ग के लोग, उनके बीच में ये फैला दिया गया कि पोलियो की वैक्सीन से शायद इम्पोर्टेंस हो जाती है और इसके कारण माएं माओं ने बच्चों को छुपाना शुरू कर दिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है सामने आए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और मस्जिदों के इमामों ने आकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि आप अपनी फोटो लगाकर और मस्जिदों के लिए पोस्टर डेवलप करके दीजिए, हम सारे हिंदुस्तान की मस्जिदों के अंदर वो पोस्टर लगाएंगे, आपकी जब अपील होगी तो जो है ये जो गलत फहमी है लोगों की ये दूर होगी, और वास्तव में वो गलत फहमी दूर होगी। और मुझे बड़ा इमोशनल होके मुझे 2004 का वो 7 दिसंबर का कार्यक्रम भी याद आता है, जब उन्होंने मेरी किताब ए टेल ऑफ टू ड्रॉप्स को रिलीज किया था। अडवाणी जी की उपस्थिति में, सुषमा स्वराज जी की उपस्थिति में, रीजनल डायरेक्टर WHO की उपस्थिति में, मोहन भागवत जी की उपस्थिति में, देश के सभी पार्लियामेंटेरियंस और सभी चीफ मिनिस्टर्स की उपस्थिति में, और वो कितना भावुक हो गए। शायद हमारा वो जो अटल जी का वो शायद ऐसा अंतिम कार्यक्रम है बीमार पड़ने से पहले, जो उन्होंने बहुत खुश होके उन्होंने किया और देश के लोगों को उन्होंने बधाई दी, और उन्होंने कहा कि जैसे सारे देश के लोगों ने मिलकर पोलियो के काम को किया, इसको दूसरी बीमारियों को भी जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे को इसको काम को आगे बढ़ाना है। 1998 में हम जानते हैं कि मार्च में वो प्रधानमंत्री बने थे, और आप ये भी सब याद करेंगे कि 11 मई को उन्होंने वो ऐतिहासिक काम कर दिया था, 2 महीने के अंदर किसी को बिना बताए हम एकदम दुनिया के अंदर कहाँ पहुंच गए थे, इतनी बड़ी न्यूक्लियर नेशन हम बन गए थे। उसी के बीच में वर्ल्ड हेल्थ डे आया 7 अप्रैल को 1998 के अंदर, हम लोगों ने दिल्ली में एक मातृ सुरक्षा अभियान शुरू किया था, जो सारे दिल्ली के अंदर 600 स्थानों पर हम प्रेग्नेंट वुमेन को एक दिन बुला के चेकअप करते थे। तो उसकी सफलता के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसको 7 अप्रैल 1998 को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया, और 4 अप्रैल 1998 को WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नाकाजीमा ने अटल जी को संदेश दिया, हमारे को संदेश दिया कि आप किसी तरह से अटल जी को तैयार कर दीजिए और हमें सारे दुनिया का कार्यक्रम भारत में आके लॉन्च कराना है दिल्ली के अंदर। उनका जो कमिटमेंट था स्वास्थ्य के प्रति, जब उन्हें पता लगा कि जो देश में मातृ मृत्यु दर 1 लाख गर्भवती महिलाओं में जो है 400 से ज्यादा जो है वो मृत्यु का शिकार हो जाती हैं, उनके लिए जो बूंद होना चाहिए वो कर्ज हो जाता है, अभिशाप बन जाता है। तो आप सोचिए कि मार्च में वो प्रधानमंत्री बने थे, मैं कभी कभी विश्लेषण करता हूँ, और 11 मई को वो क्या करने वाले थे, और 7 अप्रैल 1998 को उन्होंने अपना पहला पब्लिक दरबार किया था। आपको अगर जो पुराने लोगों को याद होगा तो ही स्टार्टेड विद समथिंग फर्स्ट टाइम ए पब्लिक दरबार बाय एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने घर के ऊपर घर पर, और 7 अप्रैल को वो कार्यक्रम होना था दिल्ली के यमुना विहार के अंदर, 2000 गर्भवती महिलाओं को इकट्ठा किया गया था। अटल जी को हम लोगों ने जाके रिक्वेस्ट किया, अटल जी ने कहा ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है, इतनी महिलाओं की मौत हो जाती है गर्भवती होने के कारण। उन्होंने सारी चीजों को साइड पे रखा, उसके लिए स्वीकृति दी, और हेलीकॉप्टर से यहाँ से अपने घर के पास से हवाई अड्डे से वो उस पब्लिक दरबार को छोड़कर वो यमुना विहार के अंदर गए, उस कार्यक्रम को किया पूरे वर्ल्ड के लिए। हमने तंबाकू के खिलाफ जब दिल्ली में पहला कानून बनाया तो
ये पहाड़गंज और आसपास के इलाके के बहुत सारे जो सिगरेट और पान बेचने वाले लोग थे वो अटल जी के पास चले गए। मैं आपको दोनों उनके जो पक्ष है बताऊंगा कि उनका जो मन की संवेदनशीलता और उनके मन का करुणा भाव और उनका विजनरी सोच। तो उन्होंने कहा साहब ये दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री कानून बना रहा है तंबाकू के खिलाफ, सिगरेट बीड़ी जो है इसको छोटे बच्चों को बेच नहीं सकते इत्यादि इत्यादि, तो हम लोग तो सब परेशान हो जाएंगे। तो अटल जी ने उनकी बात सुनी, बड़ा वो भावुक हो गए कि इनका सब काम वगैरह बंद हो जाएगा। उन्होंने मुझे फोन किया कि डॉक्टर हर्षवर्धन ये क्या कर रहे तुम? मैं कहा अटल जी मैं आपके पास आता हूँ। मैंने उनको जाके पूरा विषय समझाया, पूरे परिप्रेक्ष्य में समझाया। तो एक बार समझने के बाद सोच में लग गए वो, उस समय तो कुछ नहीं कहा। लेकिन यही अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 170 देशों ने एक साथ साइन किया WHO FCTC पर, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टोबैको कंट्रोल, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनका मन इतना संवेदनशील हो गया था उन लोगों के लिए, उन्होंने उस पूरे दुनिया के आंदोलन का जहां 170 देशों ने मिलकर दस्तखत किया कि हम तंबाकू के खिलाफ तंबाकू से होने वाली मौतों से लोगों को बचाने के लिए एक साथ हम मिलकर जो है आंदोलन करेंगे, और उसका नेतृत्व उन्होंने WHO डायरेक्टर जनरल के साथ मिलकर भारत के अंदर इसी नई दिल्ली के अंदर किया। एक नहीं पता नहीं इस तरह के कितने उदाहरण हैं। उस 6 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो मतलब उस समय जो है 80 के दशक में बनी थी, उसके बाद उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कल पॉपुलेशन के बारे में बात किया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है इसके पहले जो है अटल जी ने सन 2000 के अंदर बनाई, और अभी रिट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में एंटी रिट्रोवायरल के बारे में मीनाक्षी जी बात कर रहे थे, उसके ऊपर टैक्स खत्म। यानी हम सोच ही नहीं सकते कि एक कवि हृदय जो है उसका मन किस किस प्रकार से क्या क्या सोचता था। आज हम अगर भारत के अंदर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1 से 22 की संख्या पर पहुंचे हैं, तो वो भी अटल जी की सोच है। अटल जी ने 1 से जो है 6 और बनाने के लिए जो है उसी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर जो है आज इतनी बड़ी बड़ी सड़कें देश के अंदर बन रही हैं, तो वो चतुर्भुज जो योजना उन्होंने बनाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो उसके कारण जो है सारे देश के अंदर कितना बड़ा, और पहली बार उनके समय के अंदर जो है हम 25 से ज़्यादा देशों को तो हम लोग लोन दिया करते थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कैसे ओवरफ्लो करता था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड था उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, खाली हेल्थ के क्षेत्र में नहीं लगभग सब क्षेत्रों के अंदर उन्होंने असाधारण काम किए। हम लोग को ये जरूर कष्ट रहता था कि बाद में वो अस्वस्थ हुए तो बहुत समय तक जो है उनकी वाणी को उस प्रकार से हम लोगों को सुनने का मौका नहीं मिला। शिव कुमार जी कह रहे थे कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे तो सपनों में रोज आते हैं, और हम लोग भी जो है उनको हृदय से और मन से कभी भूल नहीं पाते हैं। आज ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम उनके पवित्र व्यक्तित्व के साथ जोड़ा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, खाली नाम रखना जो है इससे हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। खासकर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अटल जी जो है वास्तव में मन से डॉक्टरों के प्रति और मेडिकल स्टूडेंट्स के प्रति उनके मन में बहुत बहुत ज़्यादा संवेदना का, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का ऐसा भाव था। जो भी डॉक्टर या जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स उनके किसी भी रूप में कभी भी संपर्क में रहे हैं वो इस मेरी बात की बहुत अच्छी तरह से पुष्टि करेंगे। और जो हमने आज ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर और जो आने वाले समय में इसमें 2-2 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जोड़ने वाले हैं, एक यहाँ पर एक फेज 2 में दूसरे जगह पर,
1500 से और 3000 तक इसकी कैपेसिटी होने वाली है बेड्स की। 22 ऑपरेशन थिएटर से कितने 52 ऑपरेशन थिएटर होने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए नया 800 से ज़्यादा बच्चों के लिए हॉस्टल बनने वाला है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सारी हमारा जो ये मेडिकल कॉलेज है ये अटल जी के व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर जो मरीजों के साथ व्यवहार है, जो डॉक्टर लोग हैं, वो भी जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसको मन से, और आपको आज अटल जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग सब बहुत भाग्यशाली हो कि अटल जी के नाम से एक प्रकार से मेडिकल क्षेत्र का तो ये पहला इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहा है, आपको उस इंस्टीट्यूशन में जुड़ने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक और महान व्यक्तित्व हैं जिनके नाम से ये अस्पताल इतने सालों से जुड़ा है। एक तरह से दो बड़े महापुरुष, उनके आशीर्वाद से आज का ये हमारा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैं और सौभाग्य से इस समय अटल जी की जो लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, अद्भुत योग्यता और प्रतिभा वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो एक ऐसा नया भारत बनाना चाहते हैं जो 2022 में वो सारे देश के लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खाली नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम ना रहे, वो खाली अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम ना रहे, वो हर हिंदुस्तानी का ड्रीम बन जाए और हर हिंदुस्तानी उस ड्रीम को जिए और फिर हम 135 करोड़ भारतीयों को वो नया भारत दें जिसके अंदर सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबके दुखों का निवारण हो। और आप सब प्रोफेशनल लोग, जो आपकी प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गहराई और गंभीरता के साथ महसूस करके अटल जी के और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने में कंट्रीब्यूट करें। मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें अपने जीवन के लिए इसी तरह का कोई एक नया सपना पाल कर यहाँ से जाने का और उसी सपने को साकार करने के लिए नई ऊर्जा के साथ नया संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। अभी दो कविताओं को उनके थोड़े से अंश हमारे चौबे जी ने पढ़े। चांस की बात है कि मेरे मन में भी था कि ये गीत नया गाता हूँ जरूर जो है सबके बीच में रखा जाए, तो मैं इसके जो बचे हुए अंश हैं तो जो कुछ वो आपके बीच में रख देता हूँ। ऐसे तो अटल जी की जो लिखी हुई कविताएं हैं अगर मेरे ख्याल से आप सब लोग भी जो है अगर नहीं पढ़ी हैं आज तक तो ज़रूर पढ़िए। उनकी एक एक कविता के अंदर बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा संदेश है, बहुत मार्मिक है और बहुत हमें प्रेरणा देती है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये जो दूसरी कविता जिसके बारे में उन्होंने चार लाइनें पढ़ी ये भी बहुत सुंदर है। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या है दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ,
सामने वार कर फिर मुझे अजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझे मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। अटल जी की पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से हम सब प्रणाम करते हैं और अटल जी से ये वादा भी करते हैं कि जो भारत बनाने के लिए आपने अपने जीवन को खपाया, उस भारत को बनाने के लिए जो भी उसमें अभी कमी है, हम सब हृदय और मन और अपनी पूरी आत्मा के साथ उस भारत को बनाने के लिए अपने आप को संकल्पित भी करेंगे और उस भारत को बनाने के लिए अपने आप को उसमें झोंकेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर तिवारी को, इनके पूरे सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार भी किया और अटल जी की पवित्र स्मृति से इस बहुत हमारे देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन को आने वाले वर्षों के लिए जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता।